अगर आप समझदारी से जीना चाहते हैं तो आपका इस धरती से संपर्क होना चाहिए जिस पर आप रहते हैं। धरती से संपर्क में बने रहने से स्वास्थ्य की प्रक्रिया पूरी हो सकती है पूरी तरह से। तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीके हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं। हम आपको ये चीज उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य और सेहत के मामले में बहुत से लाभ होंगे जो साफ तौर पर देखे जा सकेंगे। सृष्टि में भौतिकता के सबसे करीब आपका यह शरीर है और यह शरीर धरती का ही बस एक टुकड़ा है। आप बस इस धरती की एक छोटी सी उपज हैं। अभी आप धरती की एक छोटी सी उपज हैं जो चारों ओर उछल कूद रही है। कुछ समय बाद आप मिट्टी का एक छोटा सा ढेर बन जाएंगे। आप खुद को कई मनगढ़ंत चीजें मानते होंगे पर वो सच्चाई नहीं है। न जाने कैसे ये बुनियादी बात कि हम उस मिट्टी की एक छोटी सी उपज हैं जिस पर आप अभी बैठे हैं आमतौर पर लोग भूल जाते हैं जब तक हम दफन नहीं हो जाते। अगर आप समझदारी से जीना चाहते हैं तो आपका इस धरती से संपर्क होना चाहिए जिस पर आप रहते हैं आज, क्योंकि हमने एक तरह से ये संपर्क खो दिया है। जीवन अव्यवस्थित हो गया है। ये अव्यवस्था बीमारी और कमजोरी को जन्म दे सकती है और आखिरकार शरीर को ही अस्थिर कर सकती है। हमारे सिस्टम में मूलभूत तत्वों की शुद्धता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो क्या इसे करने का कोई तरीका है? हाँ, इसके लिए एक विशेष तरीका है जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। हम आपको यह चीज उपलब्ध करवाएंगे विच इज बींग कॉल्ड एज ताई मन्नो विच मीन्स द मदर अर्थ, जिसे ताई मन कहा जाता है यानी कि धरती माँ। ये पांच अलग अलग पहलुओं का मिश्रण है। लगभग 50% मिट्टी है, इसमें कुछ मात्रा में हरी मूंग दाल का आटा है और इसमें ऑर्गेनिक कपूर जैसी चीजें हैं और इसमें थोड़ा सा रीठा पाउडर होता है और इसमें एक और बूटी होती है। ये सारी मिली हुई चीजें आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि इसे अपने पूरे शरीर पर लगाकर अपने अभ्यास करें और फिर बिना साबुन लगाए स्नान कर लें। ये साबुन का भी काम करेगा क्योंकि इसमें रीठे का पाउडर और कुछ दूसरे तत्व भी हैं। ये शरीर पर कपूर का भीना सा एहसास छोड़ जाएगा। ये कई तरह से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह आपकी त्वचा के रोम छिद्रों को खोल देता है। अगर आप कम से कम 2 से 3 घंटे तक ऐसा करें, कोई क्रीम या तेल या कुछ भी न लगाएं, क्योंकि त्वचा को सांस लेनी होती है। सांस केवल नाक से ही नहीं ली जाती, त्वचा के हर रोम को सांस लेनी होती है। जितना अधिक ये शरीर सांस लेता है उतना ही ये आपके आसपास की हर चीज से जुड़ता है। और अगर आप शरीर को ज्यादा सांस लेने देंगे तो आपका ऊर्जा शरीर अच्छे से विकसित होगा। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इस पर कोई तेज रसायन डालेंगे तो प्रतिरोध की वजह से रोम छिद्र अपने आप बंद हो जाएंगे। जब आप साबुन लगाते हैं यही तो होता है, रोम बंद हो जाते हैं। हाँ, अगर ये जरूरी है, आपका शरीर कुछ ऐसी हालत में है कि आप साबुन का उपयोग करना चाहते हैं तो ठीक है, आपका एकदम कठोर बनना जरूरी नहीं है। लेकिन आम तौर पर जागरूक रहना कि कुछ चिपचिपा लगाने से भी रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। किसी भी तरह का केमिकल लगाने से शरीर स्वाभाविक रूप से सिकुड़ता है और बंद हो जाता है। ये कुछ समय बाद खुल जाएगा लेकिन उस समय बंद हो जाएगा। खास तौर पर अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, शरीर को खुल जाना चाहिए, शरीर को पानी को ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप इसे साबुन की तरह भी इस्तेमाल करें, आप इसे जितना चाहे उतना लगा सकते हैं और पानी से इसे धो सकते हैं, तब शरीर को जो महसूस होगा उसमें आपको अंतर पता चलेगा, जो अपने आप से नहीं बल्कि ये जिस तरह से आपके तत्वों को खोल देता है इसलिए। पर अगर ये आपके लिए संभव न हो पाए, आपके पास अपनी साधना के लिए बस कुछ सीमित समय ही है, तो जिन जगहों पर आपको ये लगाने की जरूरत है वो है आपके पैरों के तलवे, बहुत जरूरी है, और आपकी हथेलियां, नाभि के पास, अनाहत चक्र जहां पसलियां मिलती हैं, गले का गड्ढा या पूरा गला, और माथा। आप सिर्फ यहां लगा सकते हैं या फिर चाहें तो पूरी जगह पर, या अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो।
लेकिन ये सब सुविधा का सवाल है। हो सकता है कि आपको काम पर जाना होता है और आपको लोगों से मिलना होता है अपने चेहरे पर मिट्टी का लेप लगाकर, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। हालांकि आप इसे केवल ऐसे रख सकते हैं जैसे कि विभूति को लगाया जाता है, वैसे ही आप इसे लगा सकते हैं। आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से कीजिए, लेकिन इसे महीने में कम से कम एक बार या हफ्ते में एक बार या जितनी बार हो सके उतना करने में कोई नुकसान नहीं है पूरे शरीर में ऐसा करने में। अगर आप चंद्रमा के चक्र में कम से कम एक दिन रखते हैं, यानी अमावस्या से पूर्णिमा के बीच एक, और पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान, यानी हर 14 से 15 दिनों में अगर आप एक दिन रखते हैं जब सिर से पैर तक लेप लगाते हैं, ऐसा करते हुए 2-3 घंटे बिताते हैं, तो स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से बेहद लाभ होंगे जो साफ तौर पर देखे जा सकेंगे।